going to discuss about the topic chapter number 9 of your book Obstetrics and Teachers that is hypertensive disorders of pregnancy. So hypertensive disorders होते हैं उनकी classification को सबसे पहले समझने की जरूरत पड़ती है कि इसको हम divide करते हैं into two types. एक होता है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन और दूसरी होती है क्रोनिक हाइपरटेंशन जो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन होती है उसमें फ़र्दर दो कैटेगरीज़ आ जाती हैं वी हैव द प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन एंड अदर वन इज़ प्री एक और इसके अलावा क्रोनिक हाइपरटेंशन क्रोनिक हाइपरटेंशन जो आप नॉर्मली भी देखते हैं कि उसमें एक एजेंशियल हाइपरटेंशन होती है जिसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं और सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है सो वी हैव द Uh, मतलब ये आ गया हमारे पास क्लासिफिकेशन ओवरऑल अब इन क्लासिफिकेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रेगनेंसी कि आपके पास कोई फ़ीमेल आ गई है और उसका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हुआ हुआ है और आपने पता लगाना है कि इसको एक्चुअली इन सब चीज़ों में से कौन सी हाइपर है उसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपर है उसको प्री एकम्पिया है उसको इक्म्शिया है या उसको क्रोनिक हाइपर है तो उसको हमने जो है वो डिस्टिंग्विश करना है सबसे पहले तो इसके डिस्टिंग्विश करने करने के लिए जो है हमारे पास एक छोटा सा मैप हम यहाँ कह सकते हैं कि एक टाइम को हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी ये जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ दिस इज़ स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई और ये हमारे पास एंड ऑफ प्रेगनेंसी है टर्म है ये हमारी ड्यूरेशन आ जाती है प्रेगनेंसी की इसमें हम करेंगे कि दिस इज़ द ट्वेंटी वीक ऑफ़ प्रेगनेंसी ट्वेंटी वीक ऑफ ट्वेंटी वीक ऑफ़ प्रेगनेंसी और यहाँ पर एंड ऑफ़ प्रेगनेंसी जो है जिसको हम डिलीवरी कहते हैं पोस्ट पार्टम सिक्स वीक आ जाता है सो यहाँ पे आपने दो चीज़ें याद रखनी है एक हम देखेंगे ट्वेंटी वीक ऑफ़ प्रेगनेंसी को और एक हम देखेंगे सिक्स वीक पोस्ट पार्टम को तो इसमें से अगर हम लेबल करें कि हमने कहना है कि किसी को प्री इक्म्शिया मतलब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है वो भी इस वाले हिस्से में आएगी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन यहाँ से लेकर ट्वेंटी वीक ऑफ जेस्टेशन से ले कर सिक्स वीक्स तक यहाँ पे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी आएगी यहाँ पे प्री एक्म्पशिया भी आ सकता है यहाँ पे इक्लैम्पिया भी आ सकता है मैं इन तीनों चीज़ों में आपको डिस्टिंग्विश करना बताऊँगी लेकिन ये तीनों चीज़ें जो हैं ये ट्वेंटी वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद होती हैं फिर हम बात करते हैं क्रोनिक हाइपर एक हमारी चीज़ रह गई है क्रोनिक हाइपर टेंशन क्रोनिक हाइपर टेंशन जो है वो स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी से लेके मतलब प्रेगनेंसी से शुरू से भी हो सकती है यहाँ से लेके कर ट्वेंटी वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक ज़्यादातर आपके पास जो फीमेल्स आएंगी वो प्रेग्नेंट फीमेल्स आएंगी ना तो आप उनसे पूछेंगे कि पहले आपको ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं था तो वो अगर बताएंगी हाँ पहले से मसला है या वो कहेंगी कि नहीं अभी शुरू हुआ है तो अभी शुरू हुआ है तो अगर तो उनकी ड्यूरेशन अभी प्रेगनेंसी की ट्वेंटी वीक्स के अंदर अंदर है सो दिस विल बी क्रोनिक हाइपर और सिक्स वीक पोस्ट मार्टम के बाद जो भी होगा ये भी हमारे पास क्रोनिक हाइपर में होगा मतलब उसकी प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई है और सिक्स वीक्स भी गुजर गए हैं और सिक्स वीक्स के बाद स्टिल उसको जो है वो उसका ब्लड प्रेशर हाई है सब कुछ उसका ब्लड प्रेशर जो है वो हाइपर उसकी ठीक नहीं हो रही इट मीन्स डैट उसको क्रोनिक हाइपर है तो इस तरह से हम बताएंगे कि हमारे पास एक फीमेल मैं आपसे पूछूं कि वो आ गई है आपके पास टेंथ वीक पे तो आप उसको क्या लेबल करोगे टेंथ वीक ऑफ़ प्रेगनेंसी पे आप क्या लेबल करोगे उसको क्रॉनिक हाइपरटेंशन फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि एक फ़ीमेल आपके पास आ गई है और उसको अभी उसकी अभी बर्थ हुई है बेबी की कुछ तीन चार दिन पहले तो उसको आप क्या लेबल करोगे तीन चार दिन पहले नहीं मैं आपसे पूछती हूँ कि बारह हफ्ते पहले उसकी जो है ना बर्थ हुई थी बेबी की तो क्या लेबल करोगे उसको आप क्रोनिक हाइपरटेंशन और अगर मैं आपसे इन ड्यूरेशन पूछूँ कि ट्वेंटी वीक ऑफ प्रेगनेंसी से लेके सिक्स वीक पोस्टमार्टम के, के, के दरम्या में कोई आपके पास फीमेल आ जाती है और वो हाइपरटेंसिव है तो फिर आप उसके अंदर तीन जो है वो कैटेगरीज सोच सकते हो या तो उसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपर है या उसको प्री एकम्पिया है या उसको इक्लैम्पिया है फिर हम इन तीनों चीज़ों में डिस्कस करते हैं जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होती है उसमें आपके पास हाइपरटेंसिव uh, तो होती है फ़ीमेल मतलब उसका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई तो होता है हम देखेंगे कितना हाई होता है हाई तो होता है लेकिन उसके यूरिन के अंदर प्रोटीन्स नहीं आ रही होती जब एब्सेंस ऑफ प्रोटीन यूरिया होता है और उसका ब्लड प्रेशर राइज होता है फीमेल का तो दैट इज़ द प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपर टेंशन प्रेगनेंसी की वजह से फ़ीमेल हाइपर टेंसिव हो गई है और uh, दूसरा हमारे पास होता है प्री क्लैम्शिया प्री क्लैम्पिया में क्या होगा कि उसको हाइपरटेंशन भी होगी मतलब उसका ब्लड प्रेशर भी राइज़ होगा और साथ में उसको प्रोटीन यूरिया भी आएगा उसका हम एक लेबल करते हैं कि इतना प्रोटीन यूरिया होगा तो हम उसको लेबल करेंगे कि ये प्री क्लैम्शिया है और अगर उसके अंदर हाइपरटेंशन भी है मतलब उसको ब्लड प्रेशर भी रेज है उसको जो है प्रोटीन यूरिया भी हो रहा है और तीसरा उसको फिट्स पड़ रहे हैं तो फिर दैट विल बी एकम्पिया समझ आई कि प्रेगनेंसी इंडस्ड हाइपर टेंशन में सिर्फ ब्लड प्रेशर रेज था जो हमारे पास प्री क्लैम्पिया है उसमें ब्लड प्रेशर रेज होने के साथ साथ प्रोटीन यूरिया भी हो रहा है और जो हमारे पास है इक्म्शिया उसमें तीनों चीज़ें हैं मतलब ब्लड प्रेशर भी राइज है प्रोटीन यूरिया भी हो रहा है और फिट्स भी पड़ रहे हैं सो दिस विल बी द्लासीफिकेशन ऑफ हाइपर टेंशन इन प्रेगनेंसी अब हम बात करते हैं कि कितना होता है इसका यहाँ पे बात कर लेते हैं ये जो ऊपर वाला होगा दिस विल बी द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और नीचे वाला होगा सिस्टलिक ब्लड प्रेशर अब हमने करना है कि हाईपर टेंशन को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज़ के वो माइल्ड है मॉडरेट है और स्वेयर है सो so उसको हम करेंगे अगर हम बात करें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की तो माइल्ड जो होगा वो नाइन्टी से शुरू होगा और टेन टेन बढ़ाते जाएंगे हम नाइन्टी टू नाइन्टी नाइन माइल्ड है नाइन्टी नाइन टू वन ज़ीरो नाइन मॉडरेट है और वन टेन से ज़्यादा है तो स्वियर है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और अगर हम बात करें सिस्टिक ब्लड प्रेशर की तो उसको हम स्टार्ट करेंगे वन फोटी से सो स्टार्टिंग पॉइंट आप याद कर लें बाकी आपने नाइन नाइन इंक्रीज़ करने होते हैं सो so, यहाँ पे वन फोटी है तो वन फोटी से वन फोर्टी नाइन फिर वन फिफ्टी से वन फिफ्टी नाइन फिर 160 से अबव तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है डाइसोलिक का 90 से लेंगे और सिसलिक का 140 से लेंगे और 10 10 नाइन टू टेन इंक्रीज करते जाएंगे तो माइल्ड मॉडरेट स्पियर अब हम डेफिनेशन देखेंगे मैंने आपको बताया कि जो है इसकी अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की तो वो आपकी बुक में लिखी भी हुई है कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन इज़ एक्चुअली द हाइपरटेंशन दैट राइजेज़ फ़ॉर द फर्स्ट टाइम इन द सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी मतलब कि अगर हम नाइन मंथ्स को या फोर्टी वीक्स को टू हाफ्स में डिवाइड करें तो सेकेंड हाफ़ जो प्रेगनेंसी का होगा Uh, मतलब मैं आपको अगर बताऊं सेकेंड हाफ ऑफ़ प्रेगनेंसी तो उसमें अगर आपके पास जो है वो पहली दफ़ा की फ़ीमेल है उसको उसको हाइपरटेंशन हो गई है मतलब पहले उसको कभी भी हाइपरटेंशन नहीं थी प्रेगनेंसी से पहले भी नहीं थी इन द एब्सेंस ऑफ प्रोटीन यूरिया सो जब भी बात होगी ना एब्सेंस ऑफ प्रोटीन यूरिया की तो दैट विल बी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन एंड दैट विल बी आफ्टर ट्वेंटी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी सो दैट विल बी प्रेग्नेंसी इंड्यूस्ड हाइपर टेंशन फिर हमने बात करनी है जो मेन डेफिनेशन हमारे पास आती है अब आपकी बुक में भी आपको मिल जाएगी कि हाइपर टेंशन आ, ये प्री क्लैम्पिया की प्री क्लैम्शिया की क्या है हाइपर टेंशन ऑफ एट लीस्ट वन फोर्टी बाई नाइन्टी मतलब ये माइल्ड माइल्ड की बात की जा रही है अभी हमने देखा है ना कि माइल्ड मॉडरेट्स वीयर में क्या था तो माइल्ड जो हमारे पास वन फोर्टी टू बाई नाइन्टी है एट लीस्ट उतना ब्लड प्रेशर हम कहते हैं कि दिस इज़ हाइपर टेंशन लेकिन ये माइल्ड है इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे तो वो मॉडरेट इस कैटेगरी में चला जाएगा एटलीस्ट इतना होना चाहिए लेकिन ये, ये नहीं है कि एक दफ़ा हमें हमने ब्लड प्रेशर लिया और हम लेबल कर दें कि वन फोर्टी बाई नाइन्टी और उसको हाईपर टेंशन है नहीं हमने दो दफ़ा उसको लेना है टू डिफ़रेंट ऑकेजन्स और वो टू डिफ़रेंट ओकेजन्स कितने कितने टाइम बाद होने चाहिए फ़ोर आवर्स के मतलब अभी आपने लिया तो वन फोर्टी बाई नाइन्टी था चार घंटे बाद लिया तो फिर वन फोर्टी बाई नाइन्टी था दैट इज़ द केस और मैंने आपको बताया कि हाइपरटेंशन के साथ दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए प्री क्लेम्शिया में प्रोटीन यूरिया होना चाहिए तो कितना प्रोटीन यूरिया होना चाहिए थ्री हंड्रेड मिली ग्राम्स इन ट्वेंटी फोर आवर्स यूरिन कलेक्शन हमने किया तो उसमें थ्री हंड्रेड मिली ग्राम्स ऑफ यूरिनरी प्रोटीनस आ रही है और ये मैंने आपको ड्यूरेशन बता दिया कि आफ्टर ट्वेंटी वीक्स टिल सिक्स पोस्टमार्टम वीक तो समझ आई तीन चीज़ों की प्री में एक चीज़ आपने बतानी है कि कितना ब्लड प्रेशर होगा दूसरा आपने प्रोटीन यूरिया कितना होगा और तीसरा कि ड्यूरेशन कितना होगा सो so, कितना है वन फोटी बाई नाइन्टी है टू डिफरेंट इक्वेशंस पे है फोर ऑवर पार्ट पे है सेकेंड चीज़ प्रोटीन यूरिया कितना है थ्री हंड्रेड मिलीग्राम्स हमारे पास ट्वेंटी फोर ओवर जो है ट्वेंटी फोर ओवर यूरिन जो प्रोटीन कलेक्शन है यूरिन कलेक्शन है उसमें हम देखेंगे और तीसरी बात आती है कि वो ट्वेंटी एथ वीक से स्टार्ट होना चाहिए पहले बिल्कुल नॉर्मल फील फीमेल थी उसको कोई हापरटेंशन की बीमारी नहीं थी वो ट्वेंटी वीक के बाद शुरू हुई थी और सिक्स वीक पोस्टमार्टम तक दैट इज़ द दैट इज़ द फ्री आपकी बुक में ना सिक्स वीक लिखा हुआ है लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसको ट्वेल्थ वीक पोस्टमार्टम कहना है बट वेरी uh, uh, करता है सिक्स से ट्वेल्व वीक्स तक तो ये हमारे पास आता है और इतनी बात हम कर ली अब हमने कि प्रिक्लेम्पिया क्या होता है और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन क्या होती है सो so, uh, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि क्रॉनिक हाइपरटेंशन जो है उसमें भी ब्लड प्रेशर इतना ही होगा और जस्टेशन में भी हाइपरटेंशन इतनी होगी वन फोर्टी बाय नाइन्टी पर लेकिन क्रोनिक हाइपरटेंशन 20 ट्वेंटी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से पहले होगी या प्री pre प्रेगनेंसियों हो में होगी और जो जस्टेशनल हाइपरटेंशन होगी वो ट्वेंटी वीक्स पर होगी या ट्वेंटी वीक्स के बाद होगी सो दैट विल बी द जस्टेशनल हाइपर तो अब हम इसके रिस्क फैक्टर्स की बात कर लेते हैं आपके बुक में रिस्क फैक्टर्स लिखे हुए हैं सो रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं प्री क्लैम्शिया के कि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है जो प्राइमरी ग्रेविडा होती है उसके अंदर ज़्यादा चांसेस हैं और मल्टी पेरेस्ट के अंदर भी ज़्यादा मतलब प्राइमरी में भी ज़्यादा है और मल्टी पेरेस्ट में भी है कि उसके अंदर प्री प्रीवियस हिस्ट्री थी प्री क्लैम्शिया की तो अब भी होगी फिर यह है कि एक अब जो इसका बेबी हुआ है और उससे पहले बेबी हुआ था उसके दरम्यान में जो है वो दस साल का वकफा है तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा मतलब एज वाइज इंक्रीज़ करता जाता है फिर एज वाइज अगर फीमेल जो है फोर्टी ईयर्स से ज़्यादा की है तो उसके अंदर ज़्यादा होगा अगर फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ और इस तरह की डिजीज़ की फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपर टेंशन वगैरह की या प्री क्लैम्शिया की तो फिर ज़्यादा होगी मदर एंड सिस्टर में अगर है और फिर वो कहते हैं कि अगर उसके अंदर जो है वो मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो मल्टीपल प्रेगनेंसी की हमने बात की थी मल्टीपल प्रेगनेंसी जब भी होती है तो ये जो बीमारियाँ होती हैं इनका रिस्क बढ़ जाता है तो इस वजह से है और फिर मेडिकल कंडीशन है कि पहले से मदर को हाइपर थी प्री एग्जिस्टिंग हाइपर टेंशन प्री एग्जिस्टिंग रीनल डिजीज़ प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ और प्री uh, uh, और एंटीफॉस्टोलेपड एंटीबॉडी सिंड्रोम था उसको मदर को ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं कि प्राइमरी में है मल्टीपैरा में है और एज uh, ज़्यादा हो गई है मदर की या उसको उसकी फैमिली हिस्ट्री है या उसकी उसकी जो है पहली कोई हिस्ट्री है अब हिस्ट्री के उसको पहले भी अब थी या उसको पहले से कोई बीमारियाँ थी बीमार थी मदर तो ये मेन इसके जो है वो रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं प्री क्लम्पिया के अब जो हमारी मेजर चीज़ आती है डैट इज़ द पैथोफिजोलॉजी ऑफ प्री क्लैम्शिया सो पैथोफिजोलॉजी समझने से पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए दिस इज़ द मदर यहाँ पे मदर का हिस्सा है यहाँ पे हमारे फीटस का हिस्सा है मदर के अंदर से क्या आ रही है देखें मायोमीट्रियम है एंडोमीट्रियम है और एंडोमीट्रियम के अंदर क्या है स्पायरल आर्ट्री है स्पायरल आर्ट्री है और ये फ़ीटस की तरफ से क्या बन रहा है जो हमारे पास जो आपको पता है कि साइडोट्रोफोब्लास्ट और जो हमारे पास uh, सिंसट्रोफोब्लास्ट होते हैं वो बन रहे होते हैं ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हम कह सकते हैं तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जो स्पायरल आर्ट्री होती है ना उसकी रीमॉडलिंग होनी होती है और जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स होते हैं ना उनकी इन्वेजन होनी होती है ये दोनों चीज़ें नेसेसरी होती हैं कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मदर और फीटस के दरमियान में एक कनेक्शन बनना चाहिए वो कनेक्शन किन दो चीज़ें से बनता है मदर की तरफ़ से स्पायरल आर्टरी बनती है उसकी रीमॉडलिंग होती है मतलब ये कि उसकी जो है ना डायलिटेशन होती है स्पायरल आर्टरी की ताकि ब्लड सप्लाई फ़ीटस को सही तरह से जा सके और फ़ीटस की तरफ से ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स इन्वेड करके आते हैं ताकि एक अच्छा सा कनेक्शन हो और मदर और फ़ीटस के दरमियान में और मदर ने जो भी न्यूट्रंट्स फ़ीटस को देने हैं और फीटस ने जो भी फेस प्रोडक्ट्स रिलीज़ करने हैं मदर ने जो भी क्सीजन फीटस को देनी है कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट करनी है सब कुछ वो एक अच्छा सा कनेक्शन होगा तो बनेगा ना तो इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है स्पायरल आर्ट्री और दूसरी ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन। लेकिन प्री क्लैम्पा में क्या होगा कि आपको पता है पैथोलॉजी में हमने डिस्कस किया था कि इस तरह से वो जो एक प्रॉपर होनी होती है ना वो नहीं होती मतलब ये कि जैसे आपको नजर आ रहा है कि नॉन प्रेगनेंट के अंदर इतना था और अब जो है आ, हो गई है फीमेल प्रेग्नेंट तो फीमेल प्रेगनेंसी के दौरान जो है नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर क्या होना चाहिए कि इस तरह से होना चाहिए मतलब इसका ल्यूमेन देखें और इसका ल्यूमेन देखें इतना डेवलप होगा इतनी वेजोरेशन होगी तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर जाएगा ना लेकिन प्री क्लैम्पिया में देखें कि इतना सा ल्यूमेन है मतलब वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई हुई है वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो क्या मसला होगा बेबी को ब्लड सप्लाई जाएगा नहीं जाएगा तो वहाँ पे ना एक एक सी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी बेबी कहेगा मुझे तो ब्लड सप्लाई नहीं आ रही अब कुछ करना चाहिए और मदर की आर्टरी भी कहेगी मैं सप्लाई नहीं कर पा रही कुछ करना चाहिए तो वो करते करते फजूल हरकतें करना शुरू कर देते हैं उसकी देखते हैं क्या कर तो ये मेन हमारी पैथोजेनेसिस ये बिली चार्ट हमेशा से बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है और पैथोलॉजी जब हमने रॉबिन से की थी ना तब भी मैंने आपको यहाँ से यही चार्ट पढ़ाया था दिस इज़ वेरी मच मतलब बहुत अच्छा चार्ट बना हुआ है फॉर दिस तो देखिए सबसे पहले प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स भी बताए हैं फॉर द प्री क्लैमशिया कुछ जैनेटिक फैक्टर्स होते हैं कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं और कुछ जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं डाइट है ओबेसिटी है कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं और कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर प्री क्लैमशिया इन रिस्क फैक्टर्स की वजह से क्या होगा एबनॉर्मल प्रजेंटेशन होगी प्रेसेंटा एबनॉमल बनेगा एबनॉर्मल प्रजेंटेशन मीन्स दैट कि ये दो चीज़ें हो रही हैं अब नॉर्मल ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन इम्प्लान्टशन एक चीज़ और दूसरी बात क्या है फेलियर ऑफ फ़िजियोलॉजिकल री ऑफ़ द मेटरनल स्पायरल आर्टरीज इनटू लार्ज डायमीटर वेजल्स विद लो रेजिस्टेंस मतलब नॉर्मल ये होना चाहिए था कि आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि जो स्पाइरल आर्टरी की री होती है उसमें क्या होता है कि आर्टरीज जो होती हैं मेटरनल स्पाइलर आर्टरीज उनका डायमीटर इंक्रीज़ करता है उनकी डायलेटेशन होती है जैसे ऊपर मैंने आपको फ़िगर में दिखाया है और दूसरा क्या होता है कि वो ऐसी बनाती हैं कि हाई फ्लो लो रेजिस्टेंस अगर लो रेजिस्टेंस होगी वेसल्स में तो ब्लड फ्लो हाई करेगा ना तो आपकी बुक में भी एक डायग्राम बनी हुई है उसमें भी आपको बताया होगा क्रिएशन ऑफ हाई फ्लो लो रेजिस्टेंस जोन बनेगा इसकी वजह से कि स्पायरल आर्टरी रीमॉडलिंग हो रही है और वो अपना स्पायरल लॉस करता है लॉस ऑफ स्पायरलिटी ऊपर आपको पिक्चर में भी नज़र आया था ऊपर मैंने आपको दिखाया था कि नॉन प्रेगनेंसी स्टेट में वो स्पायरल होती हैं लेकिन बाद में जब उनकी जो है वो ट्रोफोब्लास्टिक इन करते हैं तो जो हमारे पास होता है ये स्पायरल आर्टरी ये बेसोडाशन करते हैं और हाई हाई फ्लो लो रेजिस्टेंस जोन क्रिएट करते हैं सो ये हमारे पास अगर नॉर्मल नहीं होता कि ट्रोफोब्लास्टिक की इन्वेजन इम्पलान्टशन प्रॉपर नहीं होती और या फिर ये होता है कि स्पायरल आर्टरीज रिमॉडल नहीं करती वो विजोडाइलेशन उनकी नहीं होती उनकी स्पायरलिटी लॉस नहीं होती उनकी जो है वो हाई फ्लो लो रेजिस्टेंस की बजाय हाई रेजिस्टेंस लो फ्लो रीजन बन जाता है तो दिस इज़ ए नॉर्मल प्लेसेंटेशन तो जब ये होगा तो प्लेसेंटा में हाइपोपरफ्यूजन होगी मतलब ब्लड सप्लाई फीटस को नहीं जा रहा होगा उसकी वजह से क्या होगा इस्कीमिया हो जाएगा प्लेसेंटा के अंदर तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या हो रहा है प्लेसेंटल अभी एबनॉर्मल हो रही है तो अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिर्फ इतना हो रहा है कि प्लेसेंटा एबनॉर्मल हो रही है जैसे ही मदर जो है वो फाइनल ट्राइमेस्टर में जा रही है तो उसमें एक्चुअली मसला ज़्यादा हो जाएगा क्या होगा कि जब प्लेसेंटा को इस्कीमिया मिलेगा तो वहाँ से कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे जो प्रो इन्फ्लामेटरी होंगे जो इन्फ्लामेशन करवाएंगे जो वेज़ो कंस्ट्रक्शन फर्दर करवाएंगे और वो वेज़ो कंस्ट्रक्शन सिर्फ यहाँ पे नहीं होगी पूरी बॉडी में होगी किडनी की वेज़ो कंस्ट्रक्शन होगी और लिवर uh, को नहीं प्रॉपर ब्लड सप्लाई जाएगा ब्रेन को नहीं जाएगा लंग्स को नहीं जाएगा आई को नहीं जाएगा तो मल्टी ऑर्गेन प्रॉब्लम्स आएंगी रिलीज़ ऑफ प्लेसेंटल फैक्टर्स जिसमें वी हैव द ऐसे फैक्टर्स जो कि एंटी एंटी एंजियोजेनिक होते हैं और एंजियोजेनिक होते हैं एनजियोजेनिक फैक्टर्स कम हो जाते हैं और एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर्स ज़्यादा हो जाते हैं इसकी वजह से न्यू ब्लड वेजल्स भी बनना बंद हो जाती हैं सिर्फ वही फजूल किस्म की जो वेजोकटेड वेजल्स होती हैं वो रह जाती हैं फिर क्या होता है इतना ज़्यादा डैमेज शुरू हो जाता है Uh, इस वजह से कि ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा कम हो गया वेजफ़ कम हो गया तो एंडोथीलीम डैमेज शुरू हो जाता है जब एंडोथीलीम डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है और सिस्टेमिक हाइपर क्रिएट हो जाती है सिस्टेमिक हाइपर मतलब मैं आपको बताऊँ अगर कि जो हमारे पास ब्रेन का वे वैस, वेजल्स हैं उनको जब आ, उनकी हाइपर होगी उनको ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा तो वेजोस्पाजम होगा और वेजोस्पाज़म की वजह से क्या होगा सैरिब्रल अडीमा होगा सरबल अडीमा होगा वेसो कंस्ट्रक्शन सैरिबल अडीमा सारी प्रोटीन्स बाहर और उसकी वजह से सीजर्स पड़ेंगे तो जब सीजर्स पढ़ना शुरू हो जाएंगे तो एक लैम्पशिया हो जाएगा सो so, इसमें सिस्टेमिक हाइपरटेंशन में दूसरे ऑर्गन्स भी इफेक्ट होंगे सो so, ये सारा केस चल रहा है अब नेक्स्ट पार्ट से मैं आपको नेक्स्ट करवाती हूँ इसका पार्ट